अगर हम यहाँ बैठे हैं, इसलिए थोड़ी बैठे हैं आप लोग के भी हम अपनी आवाज़ करते रहे, कितना आप वो करेंगे, तो कृपया करके बात सुन लीजिएगा पूरी बात। तो कल से आप लोग बैठे हुए हैं, कल रात को चूंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो इसलिए बहुत हो सकता है कि भी इतनी सारी भीड़ में बात करना पॉसिबल नहीं हो। आपका जो प्रत्यावेदन है आप यही तो देना चाहते हैं ना कि सबकी हमारा जो नॉर्मलाइजेशन और प्लस एक दिन के एग्जाम की बात है, तो आप में से आप कुछ छात्रों को चूज करेंगे ना सड़क पे, अगर मान लीजिए आप कोशिश करेंगे और भी छात्र आएंगे तो इतने सारे लोगों से बात करना मुश्किल होता है। तो कम से कम जब आपको बात, आप लोकतांत्रिक तरीके से बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे हैं, तो उसमें अगला स्टेप तो यही होना चाहिए ना कि आपके बीच में से आप 5-10 लड़कों को आप जो भी आपके आप उचित समझते हैं प्रतिनिधि के रूप में। आप सब लोग जानते हैं कि वो मुश्किल है, तो उसमें से नहीं, वो भी कल आई थी, कल तो आई थी ना, कल भी, कल की ये बात थी, सुनिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें अगर आप जो भी आप मुझे समझते हैं कि भाई 10 लोग आपके उसमें, तो हम आपकी मुलाकात है उसमें जो आपका आयोग के भी वो जो सचिव हैं उनसे बात करने का आपका एक मांग है, तो बैठ के एक बार हम बात तो करें, जब आप उसको बात को कहेंगे वो आपकी बात को सुनेंगे तो तब जाके फिर आगे कोई हम इस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर बैठे ना हो पाए तो फिर उसके बाद में अल्टीमेटली इसलिए जो बाद में बैठता है ना कि भी कोई आके आए हमसे हमारी बात सुने, हम अपनी बात को कह पाए। जब आपकी बात सुनने के लिए हम बोल रहे हैं, आप अपनी बात को कहने का आपको मंच प्रदान कर रहे हैं, बाद में केवल हम फिर उसमें अगर उस चीज